किस्से कहानियों के हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपके लिए ढेर सारा आदर और स्नेह लेकर मैं हूं अभिषेक पारेख। शाहजहां और उसकी चौथी मलिका मुमताज की बेटी मुमताज ही की तरह खूबसूरती का सर्वश्रेष्ठ मुगलिया उदाहरण माना जाता है। हालांकि ये बात उतनी सच नहीं है कि मुमताज ही शाहजहां की सबसे खूबसूरत मलिका थी। इशरत बानो जो शाहजहां की पहली बेगम थी वो उसकी सभी घोषित मलिकाओं में सबसे खूबसूरत थी। फिर भी मुमताज के पास एक कमाल का फारसी लब्बुलवाब था जो उसे साहित्यिक समझ में और मानसिक खूबसूरती में सबसे खूबसूरत बनाता था। इसलिए मुमताज ही शाहजहां की सबसे पहली पसंद थी। दरअसल मुमताज बुद्धिमत्ता और सौंदर्य का सबसे कमाल का मिश्रण थी। मीना बाजार में शाहजहां ने जब पहली बार मुमताज को देखा तो वो दिल हार गए। लेकिन मुमताज की शादी शाही सेना के सूबेदार शाह अफगान खान से हो चुकी थी। ऐसे में 5 साल तक चले लंबे प्रेम प्रसंग के मद्देनज़र मुमताज से शादी करने के लिए शाहजहां ने अफगान को मरवा दिया और 19 साल की मुमताज और 20 साल के खुर्रम यानी शाहजहां की शादी जहांगीर ने करवा दी। वैसे तो इस शादी से शाहजहां को 14 संतानें हुई लेकिन उनमें से सबसे खूबसूरत थी मुमताज और शाहजहां की बेटी जहांआरा। जहांआरा में दरअसल वही साहित्यिक समझ थी जो उनकी मां मुमताज में थी। वो कमाल की शायरा थी और उनकी शक्ल बहुत हद तक अपनी मां मुमताज से मिलती थी। कुछ जहांआरा को मुमताज से भी खूबसूरत बताते हैं। आज कहानी शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा के रहस्यमय संबंधों की। कहानी मुगलिया सल्तनत की सबसे खूबसूरत पादशाह बेगम की। मुमताज से हुई सभी संतानों में शाहजहां की चहेती संतान थी जहांआरा। शाहजहां ने शाही हरम में तकरीबन हर रोज नई महिलाओं को डाला। जानकारी के मुताबिक उनके समय में उनके हरम में 8,000 से भी ज़्यादा रक्काशाएँ और रखैलें थीं और जहांगीर ने ये हरम अपने बेटे शाहजहां को हस्तांतरित किया था। शाहजहां की प्रबल यौन इच्छा इस कदर तक पहुंची कि उसने अपने महल में भी मीना बाजार लगाना शुरू कर दिया था। शाहजहां को अपनी बेटी जहांआरा से जितना प्यार था उतना ही अपनी आखिरी 14वीं संतान गौहर आरा से उन्हें नफरत थी। दरअसल दक्कन के अभियान के दौरान गौहर आरा के जन्म के समय 30 घंटों की असह प्रसव वेदना के बाद गौहर आरा को जन्म देकर मुमताज की मौत हो गई थी और इसी वजह से गौहर आरा को शाहजहां अभिशप्त मानता था, जबकि उस वक्त जहांआरा की उम्र 17 साल की थी। जिसने प्रसव पीड़ा झेलते हुए अपनी मां मुमताज की हालत देखकर गरीब और मजलूमों के लिए इस हसरत से खजाने का मुंह खोल दिया कि शायद वो अपने पिता की सबसे अजीज मलिका और अपनी मां को उन लोगों की दुआओं से बचा सके। शाहजहां के पास सबसे पहले ये समाचार जहांआरा ने ही पहुंचाया कि मुमताज दर्द से तड़प रही हैं। ये सुनकर शाहजहां ने शाही हकीम आलिम अल-दीन वजीर खां को अपने एक फरमान के साथ तलब किया लेकिन शाही हकीम ने कहा कि मुमताज के पास बेहद कम समय है और अंततः अत्यधिक रक्तस्राव से मुमताज की मौत हो गई। लेकिन यहीं से शुरू होती है शाहजहां और उनकी बेटी जहांआरा के सबसे विवादित रिश्तों की कहानी। शाहजहां को मुमताज की मौत से इतना बड़ा सदमा लगा कि कुछ ही दिनों में वो एक जवान बादशाह से सफ़ेद दाढ़ी वाला एक उम्रदराज व्यक्ति बन गए। शाहजहां अब पूरी तरह से बेटी जहांआरा और बेटे दारा शिकोह पर निर्भर हो गए थे। वो दारा से भी ज़्यादा जहांआरा पर निर्भर थे। सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री और लेखक फ्रैंकोइस बर्नियर अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में कहते हैं कि शाहजहां के अपनी ही बेटी जहांआरा से अनैतिक संबंध थे। यहां तक कि बर्नियर कहते हैं कि शाहजहां के हरम में नपुंसक लड़कों को भी जगह दी गई थी और वहां हिंदू महिलाओं के अलावा देश विदेश से ज़बरदस्ती लाई गई लड़कियाँ और महिलाएँ थीं जिनकी संख्या बढ़ाई गई। बर्नियर अपनी किताब ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखते हैं जहांआरा बहुत सुंदर थी और शाहजहां उन्हें पागलों की तरह प्यार करते थे। जहांआरा अपने पिता का इतना ध्यान रखती थी कि शाही दस्तरखान पर ऐसा कोई खाना नहीं परोसा जाता था जो जहांआरा की देखरेख में ना बना हो। बर्नियर ने आगे लिखा है उस जमाने में
हर जगह चर्चा थी कि शाहजहां के अपनी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात है। कुछ दरबारी तो चोरी छिपे ये भी कहते सुने जाते थे कि बादशाह को उस पेड़ से फल तोड़ने का पूरा पूरा हक है जिसे उसने खुद लगाया है। हालांकि ये संदर्भ की पेड़ के फलों पर मालिक का हक होता है। इसके बारे में एक प्रचलित बात और भी है कि शाहजहां ने अपनी बेटी के साथ संबंधों को घोषित रूप से जायज़ ठहराने के लिए मुल्ला और इस्लाम के जानकारों की एक बैठक बुलाई, जिसमें शाहजहां को उन तमाम लोगों ने सलाह दी थी। इस बात की सच्चाई की पुष्टि बतकही से करना लगभग नामुमकिन है। कई प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नियर की इस बात को कि शाहजहां के अपनी बेटी जहां आरा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे उन्हें सच नहीं मानते, क्योंकि बर्नियर ने दारा शिकोह के खिलाफ औरंगजेब का साथ दिया था और जहां आरा ने अपने भाई औरंगजेब का साथ न देकर दूसरे भाई दारा शिकोह का साथ दिया था। इसलिए संभवतः जहां आरा पर बर्नियर ने चारित्रिक लांछन लगा दिए। फेमस इतिहासकार निकोलाओ मनुची भी इसे गलत मानते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि औरंगजेब ने बर्नियर को अपनी सगी बहन पर इतना शर्मनाक आरोप कैसे लगाने दिया, और अगर औरंगजेब ने ऐसा किया भी तो आगे चलकर अपनी इसी बहन जहां आरा को ही बादशाह बेगम क्यों बनाया? बादशाह बेगम वो होती है जो सर्वाधिक शक्तिशाली गैर राजनीतिक शाही महिला होती है और जो अपने छोटे भाई बहनों माताओं पिता और रिश्तेदारों के पालन पोषण और सुविधाओं का ध्यान रखे। मुगलिया काल में यह पदवी बेहद अदब और रुतबे के साथ ताकतवर पदवी भी थी। बे इंतहा खूबसूरत जहां आरा की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके पास अपना एक जहाज भी था जिसका नाम साहिबी था। शाहजहां की इस हसीन बेटी का जन्म 2 अप्रैल 1614 में हुआ था। सूरत पोर्ट की पूरी आय पर जहां आरा को मालिकाना हक भी हासिल था। शाहजहां ने अपनी मरती हुई बेगम से 2 वादे किए थे कि वो उनके लिए दुनिया में सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाएंगे, लेकिन कई जानकारों के मुताबिक मुमताज़ से किया गया दूसरा वादा उन्होंने नहीं निभाया, जिसमें मुमताज ने उनसे आगे किसी और से शादी नहीं करने का वादा लिया था। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही शाहजहां ने मुमताज महल की एक बहन फरजाना से शादी कर ली। हालांकि इसकी बुनियादी पुष्टि अपुष्ट है। कुछ इतिहासकारों और बतकहियों का हवाला है कि मुमताज की मौत के बाद ही शाहजहां ने अपनी सगी बेटी जहां आरा से नाजायज संबंध स्थापित कर लिए और इसी की एवज में ताउम्र जहां आरा ने शादी नहीं की। पर कई इतिहासकार इससे उलट कहते हैं कि इतनी विदुषी और बला की खूबसूरत जहां आरा को उसके योग्य शौहर ही नहीं मिला। ये भी कहा जाता है कि जहां आरा को लेकर इतना अधिकारात्मक रवैया रखने लगे थे शाहजहां कि वो किसी भी गैर मर्द को जहां आरा के आसपास भी मंडराने नहीं देते थे। एक बार इसी के चलते जहां आरा के साथ अंतरंग क्षणों में किसी प्रेमी की उपस्थिति को शाहजहां ने भांप लिया, लेकिन जहां आरा का वो प्रेमी बचने के लिए एक तंदूर में छुप गया, लेकिन शाहजहां ने उस तंदूर में ही आग लगवा कर उसे जिंदा जला दिया। शाहजहां के बारे में ये बतकही भी प्रचलित है कि उन्होंने अपने साले शाइस्ता खां, जो मुमताज के भाई थे, उनकी पत्नी के साथ कई बार जबरदस्ती संबंध बनाए। अकबर ने किसानों के लगान ना दे सकने की स्थिति में हिंदू महिलाओं और कृषक महिलाओं के बेचे जाने पर रोक लगाई थी, पर इस प्रथा को शाहजहां ने बाद में वापस बहाल कर दिया था। जहां आरा पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि वो जबरन महिलाओं और नव यौवनाओं को शाहजहां के पास भेजा करती थी। 1644 में रेशमी पोशाक पहने जहां आरा जब महल में कहीं जा रही थी तो दीवार पर टकी एक मशाल से उनके कपड़ों में आग लग गई, जिसे हालांकि बुझा लिया गया, पर इस हादसे में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। दरअसल उस दिन जहां आरा की सालगिरह का मौका था और तकरीबन 11 महीनों तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ा। जहां आरा के ठीक होने की खुशी में शाहजहां ने शाही खजाने का एक बड़ा हिस्सा जनता में दान किया। औरंगजेब को पता था कि जहां आरा ने उसके खिलाफ दारा शिकोह का साथ दिया, फिर भी उन्होंने न सिर्फ जहां आरा को बादशाह बेगम बनाया और महल के बाहर एक बेहद शानदार हवेली भी उनके लिए चुनवाई। पर दूसरी ओर मुमताज की आखिरी संतान रोशन आरा औरंगजेब से ताउम्र इस बात से खफा रही कि उन्हें हरम में 8,000 महिलाओं के साथ आम जिंदगी जीनी पड़ी।
औरंगजेब ने उनका साथ नहीं दिया। जब भाइयों में सल्तनत के बंटवारे से नाराज औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में नज़रबंद किया तो जहां आरा ने भी शाहजहां के साथ ही रहने की इच्छा जताई और औरंगजेब ने इसे सहर्ष कबूल भी कर लिया। साथ ही अपने पिता शाहजहां की खिदमत में उन्होंने 40 रक्काशाएँ भी शाहजहां के लिए भेजी। बोली से चलकर पहुंचता इतिहास ये चर्चा करता है कि बेहद कामोत्तेजक दवाइयां खाने की वजह से आगरे के किले में ही शाहजहां की मौत 22 जनवरी 1666 में 74 वर्ष की उम्र में हुई। इन्हीं बदकहियों के हवाले से कहा जाता है कि शाहजहां को जहां आरा के रूप में मुमताज़ वापस मिल गई थी, पर ये अब तक का सबसे विवादित मुगलिया रिश्ता है जिसकी ठीक ठीक शिनाख्त मुमकिन नहीं है। इतिहास जो किताबों में है वो भी खुद को पुष्ट नहीं कह सकेगा, नहीं आप अलिखित इतिहास पर अपुष्ट होने का लांछन डाल सकेंगे। सितंबर 1681 में 67 साल की उम्र में जहां आरा का निधन हो गया और वो अपनी आखिरी इच्छा अनुसार एक कच्ची कब्र में दफना दी गई। पर मकबरा पक्का भी होता तो इतिहास उसके अंदर से भी बाहर लोगों के साथ साथ चल रहा होता। इतिहास ने हमेशा ऐसा किया है कि वो वर्तमान तक पहुंच ही जाता है। कैसे लगते हैं हमारे किस्से, कहानियां और खबरें आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारे किस्से कहानियां अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें अपने लोगों के साथ में शेयर करें, साझा करें, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर, हर कहानी, हर बदकही आप तक तय समय में पहुंच जाया करें। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.